असम में रात 8:20 पर भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र करीमगंज के भारत बांग्लादेश सीमा बताई जा रही है। म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, रात 8:20 पर भूकंप के ये जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.5 मापी गई है। भूकंप का केंद्र करीमगंज के भारत बांग्लादेश सीमा बताई जा रही है। म्यांमार, भूटान और बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो रात 8:20 पर यह भूकंप आया। हालांकि जानो माल के नुकसान की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। चंद सेकंड के लिए भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन काफ़ी ज़ोरदार थे भूकंप के झटके। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब जो हम आपको तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो नॉर्थ ईस्ट लाइव की स्टूडियो की है, जहां लाइव प्रोग्राम के दौरान भूकंप के ज़ोरदार झटके महसूस किए गए। आपको बता दें, जिस दौरान भूकंप आया उस वक्त हमारा शो मुद्दा चल रहा था और स्टूडियो की तस्वीर आप देख सकते हैं, मेरी सहयोगी रश्मि समेत पूरा पैनल हिलने लगा। लेकिन चूंकि प्रतिबद्धता है आप तक खबर पहुंचाने की, इसलिए कोई अपनी जगह से हिला नहीं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरा पैनल हिल रहा था भूकंप के झटके के दौरान। रात 8:20 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और उस दौरान हमारा शो मुद्दा चल रहा था। स्टूडियो की तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। रात 8:20 की मेरी सहयोगी रश्मि समेत पूरा पैनल उस दौरान हिलने लगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, चूंकि प्रतिबद्धता है आप तक खबर पहुँचाने की, इसीलिए कोई अपनी जगह से हिला नहीं। परंतु इस तरह का जो है वो कुछ नहीं हो रहा है। आज लोग जो है थाने में जाने से कतराते हैं और इस वक्त चर्चा हम जारी रखे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है। भूकंप आ रहा है बहुत जोर से इस वक्त। काफी तस्वीरें हम दिखा, आप देख ही सकते हैं स्टूडियो में जिस तरह की तस्वीरें आ रही है। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त एक बड़ा भूकंप। भूकंप अभी भी लगातार जारी है और परंतु इस तरह का जो है वो कुछ नहीं हो रहा है। 5.5 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता मापी गई है। मुद्दा चल रहा था उस दौरान हमारा शो मुद्दा, लेकिन तस्वीरें आपने देखी, पूरा एंकर समेत पूरा जो पैनल है वो इस दौरान हिल गया। हालांकि जानो माल के नुकसान की अभी तक कोई खबर नहीं है। परंतु इस तरह का जो है वो कुछ नहीं हो रहा है। आज लोग जो है थाने में जाने से कतराते हैं और इस वक्त चर्चा हम जारी रखे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है। भूकंप आ रहा है बहुत जोर से इस वक्त। काफी तस्वीरें हम दिखा, आप देख ही सकते हैं स्टूडियो में जिस तरह की तस्वीरें आ रही है। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन इस वक्त एक बड़ा भूकंप। भूकंप अभी भी लगातार जारी है और परंतु इस तरह का जो है वो कुछ नहीं हो रहा है।